हे गाइस, आज की रीडिंग में हम बात करने वाले हैं कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो इस वक्त, चाहे वो रिलेशनशिप हो, प्यार हो, पैसा हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो, तो उसके रिलेटेड यूनिवर्स एंड आपके एंजल्स आपको इस वक्त क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। सो इसके बारे में आज हम ये रीडिंग करेंगे, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट रीडिंग होने वाली है। तो कोई क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हो, एंड जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ दीज कार्ड्स। ओके, डीप ब्रीदिंग करिए एंड जस्ट फोकस करिए। मैनिफेस्टेशन के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज ये हो सकता है, एंड इफ़ यू रिलेट टू दिस देन बिल्कुल कॉमेंट करना। ओके, फाइनल शफल एंड हियर वी गो। आज हम डायरेक्टली स्प्रेड करके कार्ड को पिक करेंगे। चलिए, सो फर्स्ट कार्ड मैं यहाँ से लेती हूँ एंड यहाँ पे आया है प्योरिफिकेशन, वेरी गुड। सेकेंड कार्ड यहाँ पे आया है करेज, ओके। एंड थर्ड कार्ड यहाँ पे हम लेंगे एक्शन, ओके। सो गाइस, हमको तीनों मैसेजेस यहाँ पे मिले हैं। पहला मैसेज है यहाँ पे प्योरिफिकेशन, लेट मी फोकस, ओके। सो गाइस देखिए, ऑल यू नीड टू डू राइट नाउ वो है कि आप अपने थॉट्स को प्योर बनाइए, अपनी लाइफ को प्योर बनाइए, ठीक है। कोई भी तरह की नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, ना आपके दिमाग में, ना आपके मन में, ना आपकी लाइफ में। सो बस अपनी लाइफ को, अपने यू नो माइंड को फिल्टर करिए, थॉट्स को फिल्टर करिए, प्योर बनाइए, एक एनर्जी यू नो क्रिएट करिए, प्योर वाली एकदम, जिसमें कुछ भी नेगेटिविटी ना हो, ठीक है। जितने पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगे उतने ही जल्दी मैनिफेस्टेशन की तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे, राइट। दूसरा मैसेज यहाँ पे मिला है करेज। देखिए, आपके अंदर वो एक करेज होनी चाहिए एंड यू हैव टू बिल्ड अप मोर करेज टू टेक एक्शंस, जो कि यहाँ पे दूसरा कार्ड भी हमको मिल गया है। सो ये कार्ड भी अपने आप में बहुत रिलेट कर रहे हैं। तो बस आपके अंदर वो एक हिम्मत होनी चाहिए कि आप यू नो एक वाइज डिसीजन ले पाए, आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाए, आप एक चेंज को एक्सेप्ट कर पाए। बिकॉज लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो यू नो यू नीड टू हैव दैट करेज टू फेस एनी प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज, राइट। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, जितना आप स्ट्रांग रहेंगे उतना ही आप यू नो ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर पाएंगे। एंड जो लास्ट मैसेज यहाँ पे मिला है वो है एक्शन। एक्शन लेना हमेशा रिक्वायर्ड होता है, तो कभी भी कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करो उसको आप एक एक्शन के फॉर्म तक लेके जाओ। दैट मींस कि आपने सब कुछ किया, आपने टेक्निक्स की, आपने विजुलाइज किया, लेकिन अगर आपने प्रॉपर एक्शन नहीं लिए तो आप वो चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ द हाई टाइम टू टेक एक्शन, और अपने एक्शंस के ऊपर भी वॉच रखें कि आप क्या एक्शन ले रहे हो, ठीक है। तो एक्शन हमेशा लेना चाहिए एंड यू हैव टू बी रेडी ऑलवेज टू टेक एक्शन, ठीक है। तो अपनी लाइफ के लिए, अपने डिज़ायर्स के लिए काम करते रहिए, एक्शन लेते रहिए, ठीक है। वो करेज होनी चाहिए एंड अपने थॉट्स को फिल्टर करते रहिए थोड़े थोड़े टाइम में, बिकॉज नेगेटिविटी बहुत इजीली जल्दी आ जाती है। सो आपको अपने थॉट्स के ऊपर, अपने वाइब्रेशंस के ऊपर हमेशा काम करना है, ओके। तो ये है आज की रीडिंग, मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर रही है सबको। ये चीज़ें हमेशा आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, सो इसीलिए बिल्कुल क्लेम करना। एंड बस यही था आज के इस वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।